Okay, so hello and welcome everybody. Welcome once again. Let us start our session. Hopefully I'm audible to you, all of you. Am I audible? Let me check, am I audible or not? If you can hear me, just message me hi or something like that in the comment box. Okay, it seems I am audible to you and everything is perfect. Perfect. Everything is perfect. So let us continue our session. So basically in the last class, what we have done in the last revision session, we are done with the chapter 9 and now what we'll be doing, we'll be starting the chapter 10. So let us do that. Let's not waste any more time. Here we go. So, but let me switch on the AC. Here it is. And see, from this chapter, chapter 10 direction sense, what you need to see ki pichle 2-3 attempt mein kitne number ke question is chapter se aaye. Kyunki jo pichle 2-3 attempt mein hua hai, इस बार भी उसके आसपास ही कुछ होगा, ठीक है ना? तो फॉर एग्जाम्पल इन द मंथ ऑफ इन द 2022 जुलाई कितने नंबर के क्वेश्चन आए? 5 नंबर के. फिर 2021 में कितने नंबर के आए? 5 नंबर के. फिर 2021 में फिर से कितने नंबर के आए? 5 नंबर के. उससे पहले 3, फिर 4, फिर 5. तो ऑन एन एवरेज मैं मान के चल रहा हूँ कि इस चैप्टर से 5 नंबर के क्वेश्चन आपको इस बार भी देखने को मिल जाएंगे बड़ी आसानी से. क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंटली इस चैप्टर से चार पांच नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं और वो आपके सामने दिख ही रहा है कि कौन से साल में कितने नंबर के क्वेश्चन आए थे. इट इज इन फ्रंट ऑफ यू. सो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर आपने डायरेक्शन सेंस टेस्ट में आज की क्लास में जो क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ वो आपने कर लिए सारे के सारे, तो आपके 5 नंबर कहीं नहीं गए. 5 में से 5 आ जाएंगे, इट इज गारंटीड. ठीक, आपको बस उतना करना है जितना मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं आज की क्लास में डिस्कस करूंगा सारे एक से एक बेहतरीन क्वालिटी के क्वेश्चन है और पास्ट ईयर के क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पास्ट ईयर के एग्जाम्स में आए हुए हैं. ठीक है, सो लेट अस बिगिन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन आवर स्क्रीन. लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट. मुझे आंसर निकाल के बताओ कि क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का. आई विल गिव यू फ्यू सेकंड्स टू थिंक अबाउट इट. दैट्स व्हाट आई विल डू. ठीक है ना, मैं आपको कुछ सेकंड्स दूंगा, सोचो और बताओ इसका आंसर क्या आएगा. सोचो और बताओ इसका आंसर क्या आएगा. बाय द टाइम लेट मी स्विच ऑन द अदर लाइट. ओके, इट इज डन नाउ. Let me see how many of you have joined. Yes, Meet has joined me. Is CA ki baat mere saath, somebody is here. Okay. And yeah, yes, Itranj, I'm back. Okay, so let me solve and let me help you with this question. Beta, idhar hota hai east, idhar hota hai west, idhar hota hai नॉर्थ, इधर होता है साउथ. सब बच्चे जानते हैं इस बात को. इस क्वेश्चन में बोला है पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ मोस्ट 70 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. बेटा एक पर्सन का फेस किधर, वो नॉर्थ में फेस कर रहा है. ठीक है, वो बंदा जो है वो नॉर्थ में फेस कर रहा है और उसने क्या किया, 70 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया. तो इनिशियली बेटा इनिशियली उसका फेस कहां है, यहां पे नॉर्थ में फेस है ना उसका. इनिशियली उसका फेस यहां है, उसकी इनिशियल पोजीशन को मैं ये बता रहा हूं. उसके बाद उसने क्या किया, उसने 70 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया. 70 डिग्री अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो वो यहां आ जाएगा. ये उसकी दूसरी पोजीशन हो गई बी. 70 डिग्री घूम गया, कितना घुमा, 70 डिग्री घूम गया. ठीक, फिर क्या होगा, फिर उसने क्या किया, ही अगेन मूव 300 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. वो 300 डिग्री घूम गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंटी क्लॉकवाइज का क्या मतलब होता है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है जिस दिशा में घड़ी घूमती है उसकी अपोजिट. ठीक, तो उसके अपोजिट मतलब इस तरीके से वो 300 डिग्री जाएगा. तो बेटा वो गया 70, फिर ये 90, फिर 90, तो 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 70 250, 250 और 50 और चाहिए उसको, तो 50 और यहां आ जाएगा वो. तो अगर उसको 300 डिग्री जाना है वापस यहां से, तो वो बी से वापस यहां आ गया 300 डिग्री. ये हो गया 300 डिग्री. ठीक है, ये रेड कलर का जो एंगल है ये 300 डिग्री का है और इसकी फाइनल पोजीशन हो गई सी. ये फाइनल पोजीशन सी होगी. अब आपसे पूछा गया है, आपसे इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ. अभी के समय उसका फेस किस डायरेक्शन में है, तो बेटा उसका फेस यहां पर है सी. ये फाइनल पोजिशन है उसकी और ये फाइनल पोजिशन ईस्ट और साउथ के बीच में, मतलब साउथ ईस्ट में. साउथ ईस्ट मतलब ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे. तो ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर, साउथ ईस्ट. मीत, चित्रांश, प्रेरणा, जसप्रीत, रोहित, ऑल ऑफ यू हैव गॉट द राइट आंसर. दैट्स रियली गुड एंड होपफुली यू अंडरस्टूड दिस. इफ देयर इज एनी डाउट व्हाटसोएवर डू आस्क मी राइट अवे, आई विल अप्लाई टू इट एज सून एज पॉसिबल. ठीक, तो आई होप कि ये फंडा क्लियर हो गया, अपने को समझ में आ गया. अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं. हियर वी गो, अगला क्वेश्चन. वन डे राम लेफ्ट होम. राम भैया ने घर छोड़ दिया. राम भैया घर छोड़ के कहां गए? राम भैया ने घर छोड़ दिया और वन डे राम लेफ्ट होम एंड साइकिल 10 किलोमीटर साउथवर्ड्स. तो बेटा सबसे पहले आप डायरेक्शन बना लो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. इतना कर लिया, बिल्कुल कर लिया. इतना करने के बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना. राम भैया ने घर छोड़ दिया. राम भैया घर छोड़ के कहाँ गए? साउथ में गए.
तो ये नीचे साउथ नीचे की तरफ होता है ना, इसलिए वो नीचे गए। तो इनिशियल पोजीशन को ए बताएंगे, इनिशियल पोजीशन को ए बताएंगे, राम भैया घर छोड़ के साउथ में गए, साउथ मतलब नीचे गए, नीचे गए। ठीक, फिर क्या किया, टर्न राइट एंड साइकिल 5 किलोमीटर। ठीक है, उन्हें राइट टर्न लिया लिया और कितने गए, 5 किलोमीटर गए। ठीक है, यहाँ कितना गए थे वो, 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर लिखना भूल गया मैं, लिख दिया एंड टर्न राइट एंड साइकिल 10 किलोमीटर। फिर से राइट लिया उन्होंने, राइट लिया और 10 किलोमीटर गए, मतलब यहाँ गए वो। फिर से राइट लिया, 10 किलोमीटर चले, बहुत बढ़िया, अच्छी बात। फिर क्या किया, एंड टर्न लेफ्ट टू साइकिल 10 किलोमीटर। फिर से लेफ्ट लिया और 10 किलोमीटर गए, अरे भगवान कितना जाओगे, फिर से गए, चलो कोई बात नहीं, 10 किलोमीटर फिर से। नहीं, ए पॉइंट यहाँ कुछ होना चाहिए था, बराबर में दिखेगा, अच्छा दिखेगा। ठीक है, हाँ, तो 10 किलोमीटर फिर गए और यहाँ रुक गए। अब क्या गया करा उन्होंने, हाउ मेनी किलोमीटर्स विल हैव टू साइकिल टू रीच हिज होम, मतलब यहाँ तक आ गए। अब उसने पूछा ये कि कितने किलोमीटर उनको साइकिल चलानी पड़ेगी अगर उनको घर वापस पहुंचना है तो। ठीक है बेटा जी, ध्यान से सुनना, अगर वापस उनको घर जाना है तो क्या ये जरूरी है कि वो इस रास्ते से वापस जाए, ऐसे नीचे जाए फिर इधर जाए फिर ऊपर जाए ऐसे करके वो वापस जाए? नहीं, जरूरी तो नहीं है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि उनको वापस इसी रास्ते से घर जाना है, उनको घर जाना है बस। किस रास्ते से जाना है, किसी भी रास्ते से जाए, उनको घर जाना है। तो राम भैया क्या करेंगे, यहाँ से चलना शुरू करेंगे, उनकी फाइनल पोजीशन भी, और वो सीधा सीधा ऐसे जाएंगे ना घर, और उनको घर जाना है तो वो ऐसे जाएंगे, वो इतना घूम के क्यों जाएंगे, क्योंकि उनको सिर्फ घर जाना है। ठीक, तो हाउ मेनी किलोमीटर्स ही विल हैव टू साइकिल टू रीच हिज होम, तो बेटा ये कितना है, तो ये 5 है। अगर ये नीचे 5 है तो ऊपर भी कितना होगा, 5। ये कितना है, 10 है, लिखा हुआ 10। ठीक है ना, कुछ आपको समझाने की जरूरत ही नहीं है, लिखा हुआ 10। तो 10 + 5 = 15, उनको 15 किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ेगी घर वापस पहुंचने के लिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, होपफुली अंडरस्टूड, लेट मी चेक योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। चित्रांश, मीत, जस्टप्रीत एंड प्रेरणा, ऑल 4 ऑफ यू हैव गॉट द राइट आंसर, दैट्स रियली गुड, लाइक इट्स रियली कूल। लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर वी गो। क्वेश्चन नंबर 3 इज इन फ्रंट ऑफ यू, देयर आर 8 पोल्स फ्रॉम ए बी सी डी ई एफ जी। नो, आगे नहीं गाना, ए रुक जाओ, फिर क्या करेंगे, ई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो गया। अब क्या करना है, देयर आर 8 पोल्स फ्रॉम ए बी सी डी ई एफ जी, देन बी इज टू द ईस्ट ऑफ ए, मतलब सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, ए बनाऊंगा। ध्यान से सुनना बेटा, इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, क्या लिखा हुआ है, मैं दूसरा कलर यूज करूंगा, ए, हाँ, बी इज टू द ईस्ट ऑफ ए, चलो बहुत बढ़िया। तो मेरे पास ए है, ए के ईस्ट में बी बनाना है, तो ए के ईस्ट में, मतलब ईस्ट तो इधर ही होता है ना, देखो ये ईस्ट इधर ही होता है, तो ए के ईस्ट में बी बनाना है, मतलब बी यहां पे आ जाएगा, ए हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं लाइन को, आगे क्या बोल रहे हैं, सी इज द साउथ ऑफ बी, सी जो है वो बी के साउथ में, साउथ का मतलब नीचे, तो बी के साउथ में कौन है, सी है, तो बी के साउथ में मतलब बी के नीचे कौन आएगा, सी आएगा, बी के साउथ में सी है। ठीक है, साउथ मतलब नीचे, देखो ये साउथ नीचे आता है, ऐसे नीचे आता है, तो बी के नीचे या बी के साउथ में सी है, सी इज द साउथ ऑफ बी, यहां तक हो गया। आगे बढ़ते हैं, डी इज टू द वेस्ट ऑफ सी, डी जो है वो सी के वेस्ट में है, देखो बेटा सी का वेस्ट किधर है, वेस्ट इधर होता है, तो सी का वेस्ट मतलब इधर, अरे कहाँ गया, सी का वेस्ट मतलब इधर, सी का वेस्ट में कौन है, डी है, तो लिख दो डी, तो ये लाइन भी हो गई, डी इज टू द वेस्ट ऑफ सी। E is to the south of D, जो E है वो D के south में, D के south में मतलब D के नीचे है, कौन है, E for elephant, ठीक है। F is to the east of E, F जो है वो E के east में, east इधर होता है, तो इधर कौन है, F है, ठीक है। H is to the west of, G is south of F, G जो है वो F के south में, F के south मतलब F के नीचे है, कौन है, G, G is south of F, H is west of G, H जो है वो G के west में है, तो मतलब यहाँ पे H, डायग्राम बन रहा है, बढ़िया बना डायग्राम, ऐसा लग रहा है जैसे सांप जा रहा हूं। एनीवे, देन इन विच डायरेक्शन इज एच विद रिस्पेक्ट टू ए, ए के रिस्पेक्ट में एच कहां पे, बस इतना से बताना है, ध्यान से देखो बेटा जी जो मैंने बनाया है ना, ये देखो ये ए है और ये एच है, अब ए के रिस्पेक्ट में एच कहां है, तो बेटा ए के नीचे एच है, और नीचे क्या होता है, साउथ, नीचे क्या होता है, साउथ, तो ए के कौन से डायरेक्शन में एच है, तो ए के साउथ में एच है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, साउथ। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया तो पूछ लो, जो नहीं समझ में आया उसका मैं इमीडिएटली आपको सॉल्व करके समझा दूंगा। ओके, दैट्स गुड इनफ। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 4। रामू फेसेस वेस्ट एंड मूव्स 5 किलोमीटर इन द डायरेक्शन। अच्छा, रामू भैया फिर से आ गए, रामू भैया क्या कर रहे हैं इस बार, रामू फेसेस वेस्ट, सबसे पहले ईस्ट वेस्ट बना लो अपना भाई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब रामू भैया ने क्या किया,
रामू भैया की इनिशियल पोजीशन को ये मान लेते हैं, रामू फेसेस वेस्ट, रामू का फेस जो है वेस्ट में, ठीक है, इधर है, इन द डायरेक्शन, एंड रामू फेसेस वेस्ट एंड मूव्स 5 किलोमीटर इन द डायरेक्शन, ठीक है, रामू भैया ने वेस्ट में 5 किलोमीटर गए, तो रामू भैया ने क्या किया होगा, यहाँ पे मान लो उनको, यहाँ मान लेते हैं उन्हें 5 किलोमीटर वेस्ट में गए, ए पोजीशन है इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन ए है, रामू भैया ने क्या किया 5 किलोमीटर गए, किधर गए, वेस्ट में गए, ठीक, या तो कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, रामू फेसेस वेस्ट एंड मूव्स 5 किलोमीटर इन द डायरेक्शन, देन टेक्स अ लेफ्ट एंड टर्न, टर्न एंड मूव्स एंड 10 किलोमीटर, ठीक है, तो टेक ए लेफ्ट टर्न, फिर से लेफ्ट लिया, और पहले तो 5 किलोमीटर गए थे, अब कितना गए, 10 किलोमीटर गए, तो 10 किलोमीटर थोड़ा लंबा होना चाहिए, इतना ठीक है, 10 किलोमीटर गए, फिर क्या किया, एंड देन टेक अनदर लेफ्ट टर्न एंड मूव्स 15 किलोमीटर, फिर से लेफ्ट लिया और 15 किलोमीटर गए, मतलब 15 मतलब गए, इतना कुछ गए होंगे, ये 5 से तो 15 तो बड़ा ही होना, 15 तो बड़ा ही होगा, ठीक है, 15 किलोमीटर द सेम डायरेक्शन, देन मूव्स 10 किलोमीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन, 10 किलोमीटर नॉर्थ में गए, 10 किलोमीटर नॉर्थ में गए तो वो यहाँ पहुँच जाएंगे, 10 किलोमीटर नॉर्थ में गए, एंड रीचेज पॉइंट ए, ये पॉइंट ए आ गया, अच्छा तो इसको ए नाम नहीं दे सकते, इसको कुछ एच नाम दे देते हैं, क्योंकि ए पॉइंट का बोल रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड ए इन विच डायरेक्शन रामू इज फेसिंग नाउ, दो सवाल पूछे गए हैं, पहला सवाल तो ये है कि अभी जहां रामू है और स्टार्टिंग पॉइंट ये एच, इसके बीच में और इस ए के बीच में कितनी डिस्टेंस है, तो मुझे तो साफ दिख रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा होगा कि ये 5 है और ये 15 है, तो अभी सी बात है ये कितना होगा, 10 होगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 15 है, ये टोटल डिस्टेंस नीचे वाली, ये नीचे वाली टोटल डिस्टेंस 15 है, तो ऊपर वाली भी टोटल डिस्टेंस 15 होगी, अगर ऊपर वाली डिस्टेंस भी 15 होगी तो 5 तो हो गया, 10 और होना पड़ेगा, तो वही आंसर करेक्ट है जिसमें 10 आ रहा है, तो ये 5 वाले दोनों ऑप्शन गलत है, 5 वाले दोनों ऑप्शन गलत है, अब 10 वाले ऑप्शन दो हैं, ए और सी, अब ए और सी में से कौन सा करेक्ट है, ध्यान से सोचना, इन विच डायरेक्शन रामू इज फेसिंग नाउ, लास्ट बार में पूछा है कि डिस्टेंस और फिर इन विच डायरेक्शन रामू इज फेसिंग नाउ, रामू भैया का फेस कौन सी डायरेक्शन में, तो आप ए पॉइंट को देखो बेटा, रामू भैया का फेस ऊपर वाली डायरेक्शन में, मतलब ऊपर मतलब नॉर्थ, तो नॉर्थ में है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 10 किलोमीटर नॉर्थ, ऑप्शन ए इज द वंडरफुल ऑप्शन, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इफ देयर इज एनी डाउट व्हाटसएवर डू आस्क मी, डू लेट मी नो, इज इट क्लियर, इज एवरीबडी गॉट दिस आंसर इन दिस क्वेश्चन, ए किस किस बच्चे का आया, आया क्या किसी का, आई होप कि आया, ओके ओके ओके, आया कुछ कुछ बच्चों का आया, ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर वी गो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इन फ्रंट ऑफ यू, बेटा जी ये 2022 की जून की एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से करना, साइन बोर्ड पॉइंटिंग इन डायरेक्शन टुवर्ड्स नॉर्थ, एक साइन बोर्ड है वो नॉर्थ में पॉइंट कर रहा है बेटा जी, सबसे पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट बना लो अपना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, अब क्या बोला, अ साइन बोर्ड इज पॉइंटिंग डायरेक्शन टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब ऊपर की तरफ वो पॉइंट कर रहा है, नॉर्थ की तरफ मतलब ऊपर की तरफ वो डायरेक्शन बता रहा है, ड्यू टू हैवी विंड द पॉइंट ऑफ द साइन बोर्ड शोज वेस्ट इंस्टेड ऑफ नॉर्थ, तेज हवा चल रही थी तो वो जो साइन बोर्ड है वो नॉर्थ दिखा रहा था, लेकिन वो नॉर्थ दिखाते दिखाते तेज हवा की वजह से घूम गया और वो वेस्ट दिखाने लग गया, ये वेस्ट इधर होता है ना, तो वेस्ट दिखा रहा है, ठीक है, इफ ए पर्सन मूव्स टू द सेम डायरेक्शन ऑफ पॉइंटर, अभी पॉइंटर किस डायरेक्शन में, बेटा पॉइंटर ओरिजिनली नॉर्थ डायरेक्शन में था, तेज हवा की वजह से पॉइंटर घूम के वेस्ट में हो गया, अब उसने बोला है कि अ पर्सन मूव्स टू द सेम डायरेक्शन ऑफ पॉइंटर, मतलब पर्सन पॉइंटर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब पर्सन वेस्ट में मूव कर रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो वेस्ट में पर्सन को मूव करा दो, ये वेस्ट में पर्सन भैया ने मूव कर दिया, आई मीन पर्सन ने मूव कर दिया, ये पर्सन मूव्स टू द सेम डायरेक्शन ऑफ पॉइंटर, ही मूव्स 100 मीटर एंड देन टर्न लेफ्ट, 100 मीटर गया भैया जी और फिर लेफ्ट ले लिया, लेफ्ट ले लिया, ही मूव्स 100 मीटर देन टर्न लेफ्ट एंड देन मूव्स 100 मीटर अगेन एंड टर्न लेफ्ट, फिर से 100 मीटर मूव किया उन्होंने और फिर लेफ्ट ले लिया, ये लिया लेफ्ट, 100 मीटर एंड देन टर्न लेफ्ट एंड मूव 100 मीटर, ठीक है, उसने 100 मीटर मूव किया, फिर वेट ए मिनट, अप टू हियर एवरीथिंग सीम्स फाइन, आई थिंक कोई लेफ्ट टर्न में गलत ले, एक बार फिर से करेंगे, ही मूव्स 100 मीटर देन टर्न लेफ्ट, ठीक है, उसने पर्सन मूव्स टू सेम डायरेक्शन पॉइंटर, ही मूव्स 100 मीटर देन टर्न लेफ्ट, ठीक है, 100 मीटर गया फिर लेफ्ट ले लिया, देन व्हाट हैपन, ही मूव्स 100 मीटर देन टर्न लेफ्ट एंड मूव्स 100 मीटर देन अगेन टर्न लेफ्ट, ठीक है, अब उसको फिर से लेफ्ट लेना है, मतलब लेफ्ट कितने लिए उसने, ही मूव्स 100 मीटर देन टर्न लेफ्ट, 100 मीटर गया फिर लेफ्ट ले लिया, ठीक है,
एंड मूव 100 मीटर देन अगेन टर्न लेफ्ट, फिर से लेफ्ट लेना है, फिर से लेफ्ट लेना मतलब वो इधर जाएगा, बस लेफ्ट दो है इसमें, बिल्कुल एक जैसी दो लाइनें लिखी हुई है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है ना। मैं इसको रेड कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाकई में रेड कलर से हाईलाइट करने लायक चीज है कि मूव 100 मीटर देन टर्न लेफ्ट, फिर से 100 मीटर देन अगेन टर्न लेफ्ट। तो ये टर्न लेफ्ट वाली दो लाइंस हैं, गलती से मैंने एक मिस कर दी थी, आप मत करना, ठीक। एंड मूव 100 मीटर देन ही टर्न राइट, फिर से 100 मीटर मूव करके फिर राइट ले लिया भैया जी ने, राइट ले लिया, चलो कोई बात नहीं। अब राइट लोगे तो नीचे जाओगे, राइट ले लिया, नीचे गए, नीचे ले गए कितना गया, फिर 100 मीटर मूव 100 मीटर, कितना 100 मीटर जाओगे यार, 100 मीटर। इन विच डायरेक्शन ही इज नाउ, आप कौन सी डायरेक्शन में, आप बता दो, मैं तो नहीं बता रहा। ये फाइनल पोजीशन है बी बेटा जी, इनिशियल पोजीशन ए ऊपर दिख रही है, फाइनल पोजीशन बी नीचे दिख रही है, अब आप बता दो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, मैं तो नहीं बता रहा, आप बताओ क्या आंसर आ रहा है, देखता हूं मैं कमेंट बॉक्स में किसी बच्चे का आंसर आया क्या, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का ऑप्शन आ रहा है डी डी, डी फॉर डॉग साउथ, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, साउथ, वो नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे का मतलब साउथ। जस्टप्रीत आपका आंसर करेक्ट है बेटा जी, भूपेंद्र का आंसर भी करेक्ट है, भूपेंद्र ने भी ज्वाइन कर लिया, बहुत अच्छी बात है। चलो अगली अगला क्वेश्चन जाते हैं, हियर वी गो, अगला क्वेश्चन इज हियर, अगले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, किस कैसे पढ़ोगे, ध्यान से, दो घड़ियां बनानी पड़ेगी है ना, क्या बनाना पड़ेगा, क्लॉक बनानी पड़ेगी, एक तो ये रही और दूसरा ये रहा क्लॉक का डायल, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, द आर हैंड ऑफ ए क्लॉक इज इन वेस्ट डायरेक्शन व्हेन टाइम इज ओ 3 o'clock, अरे यार फिर से वेस्ट, तो ईस्ट वेस्ट, एवरेस्ट इज बेस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना दिया, इतार लिया, हाँ प्रेरणा यू आर राइट अबाउट दैट। सो नाउ रीड द क्वेश्चन केयरफुली, द आर हैंड ऑफ ए क्लॉक इज इन वेस्ट डायरेक्शन, द वेस्ट डायरेक्शन व्हेन द टाइम इज 3 o'clock, जब 3 बज रहे हैं तब जो आर हैंड होगा वो वेस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होगा, देखते हैं देखते हैं देखते हैं। तो ये रहा मिनट का हैंड और ये रहा आर वाला हैंड, ठीक है ना, आर वाले हैंड को थोड़ा छोटा बनाएंगे तो अच्छा लगेगा, ये आर वाला हैंड हो गया और ये मिनट वाला हैंड, कितनी बज रही है, 3 बज रही है, ये 3 और ये 12, तो मतलब 3 बज रही है, ठीक है ना। तो आई थिंक मुझे ये आपकी, आई शुड नॉट रीड योर कमेंट्स बिकॉज इट इज मेकिंग मी लाफ, यू नो, तो लेट मी ओपन समथिंग एल्स अदर देन योर कमेंट्स, ओके, एनीवे, सो लेट्स कंटिन्यू। So right now it is 3 o'clock. While it is 3 o'clock, ये जो R वाला hand है, R वाला hand मतलब छोटे वाला जो hand है, वो किस तरफ point कर रहा है? West की तरफ point कर रहा है। तो West की तरफ कैसे point करेगा? तो West तो फिर उल्टा तरफ बनाना पड़ेगा। अच्छा। समझ गया। इनका east west ही कुछ और है। The R end of a clock is in west direction when the time is 3 o'clock. अगर टाइम 3 o'clock है बेटा जी, अगर टाइम 3 o'clock है तो 3 o'clock तो ऐसे ही हो सकता है, और तो कुछ तरीका नहीं हो सकता, क्योंकि 12 के बाद यहाँ पे एक आता है। अरे कहाँ गई घड़ी, घड़ी गायब हो गई, 12 के बाद यहाँ एक आएगा या दो आएगा और यहाँ पे 3 आएगा, है ना। तो 3 तो इसी तरीके से बच सकती, 3 बजने का और कोई तरीका नहीं हो सकता, मतलब 3 बजे घड़ी का सुई यहाँ हो ऐसा तो नहीं हो सकता है, ये तो कोई बात नहीं हुई, तो 3 तो ऐसे ही बजेगी। अब 3 ऐसे ही बजेगी, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये तो वेस्ट है, मतलब इसने अपने साथ धोखा कर दिया, इसको वेस्ट बोल दिया, इसको वेस्ट बोलेगा तो इसको ईस्ट बोलेगा, इसको ईस्ट बोलेगा तो इसको साउथ बोलेगा, इसको साउथ बोलेगा तो इसको क्या बोलेगा, नॉर्थ। अच्छा, तो उन्होंने डायरेक्शन चेंज कर दी, और डायरेक्शन चेंज करने के लिए ही तो उन्होंने इतनी सारी चीजें दी है, ये घड़ी बनाओ और जिधर 3 बजे उसको वेस्ट बोलो, ऐसा बोला इन्होंने, ठीक है। तो मैं इस घड़ी में भी इसको वेस्ट बोलूंगा, इसको ईस्ट बोलूंगा, इसको साउथ बोलूंगा, इसको नॉर्थ बोलूंगा, और इसी के हिसाब से आंसर दूंगा, तभी वो करेक्ट होगा, अदरवाइज वो करेक्ट नहीं होगा। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो यहाँ पे ईस्ट बनाया है, बेटा इसके हिसाब से नहीं चल सकते आप, इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि इन्होंने डायरेक्शन कुछ और ही दी है, ठीक है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मिनट हैंड व्हेन द टाइम इज 6:45, 6:45 बना के बताओ कोई बच्चा मुझे, 6:45 मतलब कितना होता है, देखो बड़ा इधर देखो, ये है 6, यहाँ पे 6 ही आता है ना, और यहाँ पे 7 आता है, और टाइम हो रहा है 6:45, अगर टाइम 6:45 हो रहा है तो जो छोटा वाला हैंड होता है ना आर हैंड, वो आर हैंड आएगा यहाँ पे कहीं, मतलब 7 के पास, और जो मिनट हैंड होगा वो आएगा एग्जैक्टली यहाँ पे 9 पे, ये एग्जैक्टली यहाँ पे 9 होता है, तो 9 पे आएगा, तो ऐसे बजेगी कितनी, ऐसे बजेगी 6:45 पे, इसलिए वो 6 से भी बाद में है, है ना। अब आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मिनट हैंड व्हेन द टाइम इज 6:45, मिनट हैंड की डायरेक्शन पूछी है, मैंने लाल पीले हरे,
तो मिनट हैंड बेटा इधर वेस्ट है, तो इधर मिनट हैंड है, तो मिनट हैंड किधर है, ईस्ट की तरफ, तो आंसर क्या आएगा, ईस्ट ईस्ट ईस्ट, ऑप्शन ए, ए फॉर एप्पल, ईस्ट। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, इसमें थोड़ा उल्टा हो रहा है, डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो रही है कि ईस्ट को वेस्ट बोल रहे हैं, वेस्ट को ईस्ट बोल रहे हैं, बट आपको डरने की जरूरत नहीं, जैसा बोला वैसा करो, आंसर लेके आओ, छुट्टी है ना। ओके दैट्स गुड। मीति सिंह की सर क्लॉक उल्टी रख दी है, बेटा क्लॉक उल्टी लेना है, अगर आपने क्लॉक उल्टी नहीं रखी ना तो आंसर सही नहीं आएगा, आंसर उल्टा आ जाएगा आपका, तो आपको ऐसा करना नहीं है, आपको घड़ी उल्टी रखनी, क्योंकि उन्होंने बोला है, ठीक है। एनीवे लेट्स मूव फॉरवर्ड, दैट्स गुड इनफ, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर वी गो, क्वेश्चन नंबर 7, इट इज इन फ्रंट ऑफ यू, इसका आंसर दो, सारे बच्चे मिलकर सॉल्व करो। आर्स ऑफिस इज 4 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम हिज होम, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार, आर का जो ऑफिस है वो 4 किलोमीटर इन ईस्ट, चलो ईस्ट वेस्ट तो बना लो कम से कम, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आर्स ऑफिस इज इन 4 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम हिज होम एंड क्लब इज 4 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन फ्रॉम हिज होम और मिड वे फ्रॉम ऑफिस टू होम, अच्छा मतलब कुल मिला के सारे रास्ते इसके होम से जा रहे हैं, सब कुछ इसके होम से हो रहा है, तो होम यहाँ बना देते हैं एच, ठीक है। अब इस होम से आर्ट्स ऑफिस इज 4 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम इस होम, तो इसके होम से 4 किलोमीटर ईस्ट में कौन है, 4 किलोमीटर ईस्ट में कौन है बेटा जी, 4 किलोमीटर ईस्ट में आर्ट्स ऑफिस है, यहाँ पे ऑफिस है, ठीक, एंड होम एंड क्लब इज 4 किलोमीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन फ्रॉम इस होम, क्लब जो है वो नॉर्थ में है, कितना जाना पड़ेगा नॉर्थ में, वही जाना पड़ेगा 4 किलोमीटर, तो चलो 4 किलोमीटर नॉर्थ में जाते हैं तो क्लब आ जाएगा, तो क्लब आ गया, कितना गए 4 किलोमीटर, ठीक, यहां तक सब कुछ क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आगे क्या बोला, ऑन मिड वे फ्रॉम ऑफिस टू क्लब, भैया जी को ऑफिस से क्लब जाना है, बेटा जी एक बात ध्यान रखना, इसको रास्ता मत समझ लेना, उसको ऑफिस से क्लब जाना है, ऑफिस से क्लब जाना है तो कौन से रास्ते से जाएगा, ऑफिस से बात इस रास्ते से जाएगा, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में हम जो सबसे छोटा वाला रास्ता होता है उसी को प्रेफर करते हैं, आप क्या करोगे नेचुरली, अगर आपको आपके घर से कोचिंग आना है तो क्या आप पूरा इंदौर का एक राउंड लगा के घूमते हुए आओगे, नहीं, आप जो सबसे छोटा वाला पाथ होगा, जो स्ट्रेट सबसे छोटा शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ होगा वो आप लेके यहाँ आओगे, है ना, जिसमें फिजिबल होगा गाड़ी चलाना या जिस भी जैसे भी आप आ रहे हो उससे आप आओगे, तो यहां पे भी यही करेगा ना, उसको ऑफिस से क्लब जाना है, ऑन मिड वे फ्रॉम ऑफिस टू क्लब, अच्छा तो भैया जी हैं जो ऑफिस से क्लब जा रहे थे, फिर मिड वे मतलब बिल्कुल बीच में, ऐसा बीच में मिडवे, ये मिडवे हो गई, मिडवे को एम नाम दे देते हैं, ठीक है। ऑन मिड वे फ्रॉम ऑफिस टू क्लब आर स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स हिज होम, रस्ते में वो जैसे ही मिडवे बिल्कुल बीच में पहुंचा, उसको याद आया कि अरे यार मैं अपना वॉलेट तो घर पे ही भूल गया, तो उसने क्या किया, बिल्कुल वहां से गाड़ी घर की तरफ और वो घर जाने लग गया, लिखा हुआ है ना, ऑन मिड वे फ्रॉम ऑफिस टू क्लब आर स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स हिज होम इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग हिज बैक, क्या क्वेश्चन है, आहा हा मजा आ गया, देखो बेटा जी अब वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, उसका मुंह किधर है, होम की तरफ, तो उसकी बैक किस साइड में होगी, आपको बैक की डायरेक्शन बताना है, बहुत अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि आहा हा मजा आ गया, इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अब उसकी बैक किस साइड में आपको वो बताना है, तो उसके लिए आपको इतना सा करना है कि आपको यहाँ बनाना है ईस्ट वेस्ट, यहाँ बना दो ईस्ट, यहाँ बना दो वेस्ट, एंड देखो बेटा जी अगर उसका फेस जो है ना, अरे मैंने वेस्ट का ऊपर बना दिया गलती से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, देखो ध्यान से देखो, उसका अभी जो फेस है वो घर की तरफ है, और घर किस डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट में, ध्यान से देखो उसका घर साउथ वेस्ट में है, उसका साउथ वेस्ट में जा रहा है, अगर वो साउथ वेस्ट में जा रहा है तो उसकी बैक किस डायरेक्शन में होगी, उसकी बैक इस डायरेक्शन में होगी नॉर्थ ईस्ट में, कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट में, ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, नॉर्थ ईस्ट। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो, प्यार से समझो, और समझ में आया हो तो बता दो कि सर मेरे को समझ में आ गया, लेट मी चेक द कमेंट बॉक्स, लेट मी चेक द कमेंट बॉक्स, किसको समझ में आया है कि उसकी बैक जो है ना, उसकी बैक वो नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि उसका फेस साउथ वेस्ट में है,
अब जिधर फेस होगा उधर तो बैक हो नहीं सकता, बैक तो ऑब्वियस बात है अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अपोजिट तो अपोजिट देखोगे तो क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट आएगा। तो फॉर ऑप्शन, फॉर दैट रीजन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया क्या? ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर वी गो, एट क्वेश्चन, डेली इन द मॉर्निंग, डेली इन द मॉर्निंग व्हाट हैपेंस, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब डेली इन द मॉर्निंग द शेडो ऑफ ए क्लॉक टावर रेस्ट, देखो बेटा मॉर्निंग में सन यहाँ होता है ईस्ट में, ये मॉर्निंग का टाइम है। सो डेली इन द मॉर्निंग द शेडो ऑफ द क्लॉक टावर इंस्टॉल्ड ऑन द रेलवे स्टेशन फॉल्स ऑन द हाई राइज मॉल। तो जो शेडो ऑफ द क्लॉक टावर इंस्टॉल्ड ऑन रेलवे स्टेशन फॉल्स ऑन हाई राइज मॉल एंड इन द इवनिंग। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो क्लॉक टावर जो है ना, सिटी, सिटी का मतलब क्लॉक टावर। तो अगर मॉर्निंग में सन यहाँ पे है तो क्लॉक टावर की जो शेडो बनेगी वो कहाँ बनेगी, द शेडो ऑफ द क्लॉक टावर इंस्टॉल्ड ऑन रेलवे स्टेशन फॉल्स ऑन द हाई राइज मॉल। तो ये हाई राइज मॉल कहाँ होगा, एच एम का मतलब हाई राइज मॉल कहाँ होगा, ऑब्वियसली बात है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तभी तो इसकी शेडो उस पर पड़ रही है। देखो मॉर्निंग में ऐसा होगा कि ये जो सिटी है, सिटी मतलब क्लॉक टावर, इसकी शेडो किस पर पड़ेगी, मॉल पे, कौन से मॉल पे, हाई राइज मॉल पे। एंड इन द इवनिंग द शेडो ऑफ द सेम मॉल्स ऑन द इन द इवनिंग द शेडो ऑफ द सेम मॉल्स फॉल्स बैक ऑन द क्लॉक टावर। अच्छा मतलब इवनिंग में सन यहाँ आ जाता है, इवनिंग में सन यहाँ आ जाता है तो उसकी शेडो किस पर पड़ेगी, ये जो हाई राइज मॉल है इसकी शेडो पड़ेगी क्लॉक टावर पे। मतलब जो पोजिशन मैंने बनाई वो बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई डाउट ही नहीं हो सकता, ठीक, ये बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब क्या करना है, स्टेशन एक्जैक्टली, सो इन विच डायरेक्शन इज क्लॉक टावर टू मॉल, क्लॉक टावर मॉल के किस डायरेक्शन में, तो मॉल के ईस्ट में है, खत्म, ऑप्शन 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 ए इज द करेक्ट आंसर, ईस्टर्न साइड। जो क्लॉक टावर है वो किधर है, क्लॉक टावर किधर है ऐसा पूछा गया आपसे। तो बेटा क्लॉक टावर जो है ना वो हाई राइज मॉल के किस डायरेक्शन में, तो मॉल के ईस्ट में क्लॉक टावर है, फॉर दैट रीजन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। होपफुली यू अंडरस्टूड, इट्स प्रीटी इजी क्वेश्चन। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर वी गो, क्वेश्चन नंबर 9 विच केम इन 2021 दिसंबर, दिसंबर 2021 में ये क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आया था, इसको बड़े ध्यान से करें। तब तक मैं क्या बना लेता हूँ, ईस्ट वेस्ट बना लेता हूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अ पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, तो एक पर्सन को क्या करना चाहिए, 1 किलोमीटर वेस्ट में जाना चाहिए। अभी शुरू करते हैं। अ पर्सन वॉक्स, एक एक लाइन पढ़ते जाओ और सॉल्व करते जाओ। ए पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, 1 किलोमीटर वेस्ट में गए। वेस्ट इधर ही है ना, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट को ए नाम दे दिया, स्टार्टिंग पॉइंट को ए नाम दे दिया और वेस्ट में गया, ठीक है, 1 किलोमीटर। देन ही टर्न्स टू साउथ, साउथ में घूम गया एंड वॉक 5 किलोमीटर, तो ये साउथ में गया, 5 किलोमीटर चला, यहाँ रुक गया होगा, 5 किलोमीटर चला साउथ में जाके। अगेन ही टर्न्स टू वेस्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, वेस्ट में गया, 2 किलोमीटर चला। आई होप कि आपको सब कुछ बड़ा विजिबल है। अगेन ही टर्न्स टू वेस्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर, आफ्टर दिस ही टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक्स 9 किलोमीटर। अच्छा तो अगर उसने नॉर्थ में गया और 9 किलोमीटर चला, मतलब यहाँ कहीं पहुँच गया होगा, बिल्कुल ऊपर 9 किलोमीटर, कितना गया, 9 किलोमीटर, चलो 9 किलोमीटर। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज द स्टार्टिंग पॉइंट, उसके स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी दूरी बताओ, तो स्टार्टिंग पॉइंट से दूरी ये आएगी, स्टार्टिंग पॉइंट से दूरी। मैंने आपको क्या बोला था, जब भी आपसे डिस्टेंस का बोले तो आप क्या, कौन से डिस्टेंस लोगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जब भी मैं आपको बोलूँ कि आप कोचिंग से घर जाओ तो जनरली आप क्या करोगे, जनरली आप क्या करोगे, शॉर्टेस्ट पाथ लोगे, जो सबसे छोटा वाला रास्ता है वो लोगे। तो इसने भी यही किया, बेस बी से इसको वापस ए जाना है तो इस शॉर्टेस्ट रास्ता लेगा और वो मैंने बना दिया कैसा है। अब अपने को अगर डिस्टेंस निकालनी है, ये जो पिंक कलर की लाइन मैंने ड्रॉ करी है इसकी लेंथ मुझे निकालनी है, तो मुझे एक ही रास्ता है कि मैं इसको ऐसे ट्रायंगल बना दूं। क्या करूं बेटा जी, इसको ऐसे ट्रायंगल बना दूं। अगर मैं इसको ट्रायंगल बना देता हूं तो आप सोचो कि ये 5 है, ध्यान से देखना बेटा जी, ये 5 है तो यहाँ पे भी तो 5 होगा, कितना कितना होगा, 5 होगा, ये 5 होगा तो टोटल कितना है, 9, तो ये कितना होगा, 4 होगा। चलो यहाँ तक अपने कोई डाउट नहीं है, ये 9 है, ठीक। फिर 2 + 1 = 3, देखो बेटा ये 2 है ये 1 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
अब एक लेंथ इस ट्राइंगल, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल तो आप समझते होंगे, ऐसा ट्राइंगल जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता हो उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। इस राइट एंगल ट्राइंगल में एक साइड है 3, दूसरी साइड है 4, तीसरी साइड अपने को पता करनी है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ये इस, अरे ये क्या हो गया, इस पॉइंट को एक काम करते हैं, इस पॉइंट को क्या नाम दूं, इसको ए बी सी दे देता हूं। तो इस छोटे से ट्राइंगल में एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर, बी सी कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना हो 16, ए सी कितना है 3 का स्क्वायर 9, तो ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो ए बी कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 विच इज 5, तो ए बी इज द 5 विच इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर, 5 इज द करेक्ट आंसर। होपफुली यू अंडरस्टूड, इफ देयर इज एनी डाउट व्हाटएवर डू आस्क मी राइट अवे। समझ में आया क्या? सारे बच्चों को चलो बहुत बढ़िया। शैल वी गो टू द नेक्स्ट थिंग, बच्चा जी बताओ। चलो कुछ बच्चों का ऑप्शन सी ऑलरेडी आ गया था, जैसे मीत, प्रेरणा, रोहित, नहीं रोहित का ऑप्शन भी आया था, नहीं वो पिछले क्वेश्चन का है, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर टेन क्या बोल रहा है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बोल रहा है फाइव फ्रेंड्स ए बी सी डी ई आर स्टैंग इन द सेम लोकेलिटी, ठीक है, बीज हाउस इज टू द ईस्ट। अच्छा मतलब ईस्ट की जरूरत पड़ेगी, हर क्वेश्चन में पड़ती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब घर बनाते हैं, आओ घर बनाए, ठीक। ओके ध्यान दो बेटा इधर, लेट्स मूव फॉरवर्ड। फाइव फ्रेंड्स ए बी सी डी आर स्टेइंग इन द सेम लोकेलिटी, बी'ज हाउस इज टू द ईस्ट ऑफ ए'ज हाउस, जो बी का हाउस है वो ए के ईस्ट में, तो ये ए है, इसके ईस्ट में बी का हाउस है, मैंने ए यहां बना दिया, अगर ए यहां बना दिया तो बी का हाउस जो है वो ए के ईस्ट में, तो ए का बी यहां आएगा। बी'ज हाउस इज टू द ईस्ट ऑफ ए'ज हाउस एंड टू द नॉर्थ ऑफ सी'ज हाउस, जो बी का, अच्छा ए का हाउस जो है ना वो नॉर्थ में है, किसका, बीज हाउस इज टू द ईस्ट ऑफ एज हाउस एंड टू द नॉर्थ ऑफ सी हाउस, बी का घर जो है वो सी के घर के नॉर्थ में है, तो सी कहाँ आएगा, सी यहाँ आएगा, क्यों आएगा सी यहाँ पे, क्योंकि सी के नॉर्थ में बी आना चाहिए, देखो ध्यान से देखो, सी के नॉर्थ में ही है ना, नॉर्थ का मतलब ऊपर, तो सी के ऊपर बी है मतलब सी के नॉर्थ में बी है, ऊपर का मतलब नॉर्थ, सी के ऊपर बी है मतलब सी के नॉर्थ में बी है, ठीक, और ऐसे ही तो बोला है टू द नॉर्थ ऑफ सी हाउस, बीज हाउस इज टू द ईस्ट ऑफ एज हाउस एंड टू द नॉर्थ ऑफ सी हाउस, तो बी का घर है वो सी के नॉर्थ में होना चाहिए, बहुत बढ़िया। सीज हाउस इज टू द वेस्ट ऑफ डीज हाउस, ये सी का जो घर है वो डी के वेस्ट में है, मतलब डी यहां पे आएगा, डी यहां पे आएगा, डी के वेस्ट में सी का घर है, समझ में आता है ना, बिल्कुल आता है। डीज हाउस इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एज हाउस, जो ए का घर है उसके रिस्पेक्ट में, उसकी बहुत रिस्पेक्ट करो, और उसके रिस्पेक्ट में डी का घर किधर है, तो भैया ए के नीचे डी का घर है, नीचे का मतलब होता है साउथ, ऑप्शन साउथ, अरे लेकिन साउथ तो कोई ऑप्शन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, साउथ तो आएगा पर ये वाला साउथ नहीं आएगा, इसमें ऑप्शन कैसे दिए हुए, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट वाले ऑप्शन दिए हुए। अच्छा अभी बताते हैं फिर से एक बार, सीज हाउस इज टू द वेस्ट ऑफ डीज हाउस, सी का जो घर है वो डी के वेस्ट में, और नो, फिर से पढ़ना पड़ेगा इसे, सीज हाउस इज टू द वेस्ट ऑफ डीज हाउस, डी के वेस्ट में सी है, सी के वेस्ट में डी नहीं, उल्टा हो गया, तो मतलब डी यहां आएगा, कहां आएगा, यहां आएगा, D's house, C's house is to the west of D's house. D के west में C है, तो D के west में C आ गया ना, west इधर ही तो होता है, तो D के west में C हो गया, मतलब ये ऐसा बनेगा डायग्राम, बहुत बढ़िया। अब पूछा गया आपसे, अब आपसे पूछा है कि D's house is in which direction with respect to A's house, तो A और D के, ये D का घर यहाँ है, और A के घर के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में, कुछ मत करो यहाँ पे, आप वो बना दो ईस्ट, यहाँ बना दो वेस्ट, यहाँ बना दो साउथ, तो ये जो डी का घर है वो ए के घर के ईस्ट और साउथ के बीच में है, साउथ और ईस्ट के बीच में है, तो साउथ ईस्ट में, तो ऑप्शन कौन सा आएगा, आएगा तो साउथ ही वाला, लेकिन आएगा साउथ ईस्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये पिंक वाली लाइन में इरेज कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो,
ठीक, साउथ ईस्ट में है, साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में, डी का घर ए के रिस्पेक्ट में साउथ ईस्ट में, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। समझ में आया क्या? नहीं आया तो बताओ। ओके, शैल वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। It seems you guys are having fun in the comment box, and let's go to the next question. Okay, unfortunately this question has some sort of printing mistake as it is written over here. ये question फिर से आएगा थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद ये question मैं फिर से discuss करूँगा और वो printing mistake क्या है वो आपको पता लग जाएगा। If you read the question right now, there is some sort of printing mistake in this question. For that reason, we will not do this question right now. But in today's session, we will cover this question. Don't worry. लेटर ऑन दिस क्वेश्चन विल कम अगेन, फिर से ये क्वेश्चन आएगा और वो बिना प्रिंटिंग मिस्टेक के आएगा और फिर हम करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन जाते हैं। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 करो जल्दी से, जल्दी से करो क्वेश्चन नंबर 12। पढ़ो क्वेश्चन, आई विल गिव यू सम टाइम टू रीड द क्वेश्चन इटसेल्फ, क्योंकि ना ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा टाइम दूंगा आपको क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। पढ़ो इसको। चलो फिर से शुरू। आई मीन ए एंड बी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड ईच अदर फ्रॉम द टू प्लेसेस 200 मीटर अपार्ट। हाँ, ये तो दिमाग वाला क्वेश्चन है। मतलब ए एंड बी, मतलब ए यहाँ है बी यहाँ है, दोनों ने साथ में चलना शुरू किया, ए यहाँ है बी यहाँ है। ए एंड बी स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, ए और बी जो है वो एक दूसरे की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ए एंड बी स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम द टू प्लेसेस 200 मीटर अपार्ट, दोनों के बीच में 200 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, एक दूसरे की तरफ खींचे चले आ रहे हैं और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 200 मीटर का। बहुत बढ़िया। आफ्टर वॉकिंग 60 मीटर बी टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 20 मीटर। अच्छा, 60 मीटर वॉक करने के बाद, मतलब बी भैया जो है वो 60 मीटर आए ए की तरफ, चलो 60 मीटर यहां ओवर हो गया मान लिया। आफ्टर वॉकिंग 60 मीटर बी टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 20 मीटर, बी ने लेफ्ट लिया 20 मीटर गया, फिर क्या हुआ? Then he turns right, then he turns right and goes for 40 meter, right लिया 40 meter गया, चलो फिर क्या हुआ? He then turns right again, फिर से right लिया and comes back to the road on which he had started walking, मतलब इस road पर चल रहा था ना, इस road पर वापस आ गया वो, तो देखो ऊपर आ गया और वापस आ गया इसी road पर। ठीक, फिर क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ फिर देखो, कम्स बैक टू द रोड ऑन विच ही स्टार्टेड वॉकिंग। इफ ए एंड बी वॉक विद द सेम स्पीड, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम नाउ? अब मुझे एक सिंपल सी बात बताना, ये जो बी चल रहा था ना, बी को मैंने पिंक कलर के कलर से मैंने शो किया, ये बी जितना चला वो मैंने बी पिंक कलर के शो, पिंक कलर से मैंने उसको शो किया है ना, बी जितना भी चला वो पिंक कलर दिखा रहा है। अब ए कितना चलेगा वो भी मैं पिंक कलर से दिखाऊंगा, दूसरे कलर से दिखाऊंगा, व्हाइट से दिखा देते, व्हाइट से दिखा देते। ठीक है, अब हम ए को दिखाएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन के पहली लाइन में लिखा हुआ है ए एंड बी स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम टू प्लेसेस 200 मीटर अपार्ट, देन दिस 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 दिस, फिर लास्ट में लिखा हुआ है इफ ए एंड बी वॉक विद द सेम स्पीड। बस जितना मैंने इतने से को, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूं। बेटा जी ध्यान से सुनो, क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे चले आ रहे हैं एंड ए एंड बी वॉक विद द सेम स्पीड, दोनों की स्पीड भी सेम है। अगर आप मुझे बताओ ए जो है वो बी की तरफ जा रहा है, बी जो है वो ए की तरफ आ रहा है और दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं, मतलब इतनी देर में बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, बी ने 60 प्लस 20 प्लस 40 प्लस फिर से ये 20 ऊपर गया तो 20, इतनी डिस्टेंस बी ने कवर करी, कितनी हो गई है 60 40 100 100 एंड 140, ये हो जाएगी 140। तो इतनी देर में अगर बी ने 140 मीटर की डिस्टेंस कवर करी तो मुझे ईमानदारी से बताओ कि अगर ए और बी दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं तो जितनी देर में बी 140 मीटर चलेगा उतनी देर में ए भी तो 140 मीटर चलेगा। क्यों? क्योंकि ए और बी की स्पीड बराबर है। अगर आप दोनों बराबर, आप दो लोग बराबर स्पीड से जा रहे हैं तो जितनी देर में ए 140 मीटर चलेगा उतनी ही देर में बी भी तो 140 मीटर चलेगा,
और है ना, तो बी तो ऑलरेडी 140 मीटर चल लिया, अब ए के 140 मीटर चलने की बारी है। अब ए ना तो लेफ्ट ले रहा है ना राइट ले रहा है, वो तो सीधा आ रहा है, आए जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, आ रहा है, आ रहा है, ऐसे कितना आएगा 140 मीटर। तो बेटा जी एक बात बताओ, ये टोटल 200 मीटर की डिस्टेंस है, ये 60 हो गया या 40 हो गया, मतलब कितना हो गया, ये टोटल 100 हो गया, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके यहां तक 100 हो गया। तो बचा वो कितना है, जो बचा वो कितना है, वो भी तो 100 है, तो ये भी तो 100 है, बिल्कुल 100 है। और जितनी देर में ये 140 चला तो वो भी तो 140 चलेगा, मतलब वो 140 चल के यहां आ जाएगा। तो बी जो है वो ए जो है वो ए डैश पे आके खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो भी तो 140 चलेगा, और बी जो है वो बी डैश पे आके खड़ा हो जाएगा, बी डैश यहां पे है। अब आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम नाउ, उन दोनों ए डैश और बी डैश के बीच की दूरी बताओ। अब इतना चलने के बाद ए और बी के बीच की दूरी बताओ मुझे, ए को मैं, ए की नई पोजीशन हो गई ए डैश, बी की नई पोजीशन हो गई बी डैश, ए डैश और बी डैश के बीच की दूरी बताओ, बताओ 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 कितनी है ये दूरी, कितनी है ये दूरियां, कितनी है बताओ जल्दी से। Anybody got the answer? Very good, very good. Yes, you did get the answer. Some of you did get the answer. Option C is the correct answer. 40 meter, है ना? दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 40 meter. सामने दिख रहा है ना बेटा, ये 40 नीचे लिखा हुआ है, आपको देखने की जरूरत नहीं है, I mean, आपको कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये इतना 40 दिखा हुआ है, लिखा हुआ है 40 डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ए डैश और बी डैश के बीच की डिस्टेंस है 40, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 4040. Hopefully understood this. If there is any doubt whatsoever, do ask me right away. चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग कैसा है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, करो उसको सॉल्व। One morning after sunrise, सुबह सुबह सनराइज के बाद, वाह 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 क्या बात है, सुबह सुबह सनराइज के बाद विक्रम एंड शैलेश वर स्टैंडिंग डाउन विद देयर बैक, डाउन विद देयर बैक, ये क्या मतलब है, हाँ मतलब स्टैंडिंग डाउन विद देयर बैक टुवर्ड्स ईच अदर, अच्छा मतलब सुबह सुबह विक्रम और शैलेश दोनों खड़े थे एक दूसरे की तरफ बैक करके, इसका फेस इधर है तो उसका फेस उधर है, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ बैक करके खड़े हैं, ठीक है अच्छी बात है। विक्रम शेडो फेल एग्जैक्टली टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, विक्रम भैया की जो शेडो है, विक्रम की जो शेडो है वो एग्जैक्टली लेफ्ट हैंड साइड में जा रही है, विक्रम्स शेडो फेल एग्जैक्टली टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, तो विक्रम अगर खड़ा है ना तो उसकी शेडो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बन रही है, अच्छा तो इसका क्या मतलब हुआ, तो विक्रम की फोटो बनाते हैं, अब विक्रम की फोटो बनाएंगे, कैसे बनाएंगे विक्रम की फोटो, ऐसी कुछ गंदी सी नहीं अच्छी सी बनाएंगे, ये विक्रम है, ये उसकी आंखें हैं लेकिन वो उधर देख रहा है, नहीं ऐसे नहीं आंखें नहीं बनाऊंगा क्योंकि वो तो उसकी बैक साइड करके खड़ा है ना, वो बैक करके खड़ा है, तो ये विक्रम है, ये इसके हाथ हैं छोटे छोटे, इससे गंदा डायग्राम आप नहीं बना सकते, ये मेरा चैलेंज है आपको, समझे, ठीक है, दिस इज द सिंपलेस्ट पॉसिबल विक्रम यू कैन मेक, बना दिया। अब जो ना आप बोलोगे सर विक्रम के मुंह आंख नाक कान क्यों नहीं दिख रहे, उसका रीजन ये है कि विक्रम का फेस अपोजिट डायरेक्शन, मतलब विक्रम फेस आपकी उधर करके फेस करके खड़ा है तो उसका फेस आपको नहीं दिखेगा, उसकी बैक साइड आपको दिखेगी, ठीक। तो विक्रम शेडो फेल एग्जैक्टली टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, विक्रम की जो शेडो है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे की तरफ बैक करके खड़े हैं इसलिए मैंने बैक बनाया, विक्रम से शेडो फेल एग्जैक्टली टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, विक्रम की जो शेडो है वो लेफ्ट हैंड साइड में गिर रही है, इसका मतलब तो एक ही हो सकता है कि उसका सन जो है वो सन यहां होगा, ये सन जो है ना मॉर्निंग में यहां होता है ईस्ट में, तो ये ईस्ट है और यहां पे सन है, तभी तो विक्रम की शेडो लेफ्ट में गिर रही है, लेफ्ट मतलब ये वाला लेफ्ट है ना, अगर विक्रम ऐसे खड़ा है तो ये विक्रम का लेफ्ट ही होगा और ये विक्रम का राइट होगा, ठीक है। अब उसकी शेडो लेफ्ट में बन रही है तो उसकी शेडो यहाँ लेफ्ट में बनेगी, विक्रम की शेडो कैसी बनेगी, छोटी बनेगी लेकिन ऐसी कुछ बनेगी, ये विक्रम की शेडो यहाँ बनेगी, ये जो ब्लू कलर से बना रहा हूँ उसको देख कर डर मत जाना, ये विक्रम की शेडो है ना, डरना नहीं इसको देख के, ठीक है यार बस इतने काफ़ी है, इतने काफ़ी है। तो ये छोटी जो ब्लू कलर की बनाई है विक्रम की शेडो है, और विक्रम की शेडो कौन सी डायरेक्शन में बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड में, कौन किसके लेफ्ट हैंड साइड में, अरे विक्रम के लेफ्ट हैंड साइड में, विक्रम के लेफ्ट हैंड साइड में विक्रम की शेडो बन गई, कोई बुराई नहीं है, आप सुबह उठना जो सन के सामने ऐसे खड़े हो जाना कि आपकी जो शेडो है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड में बने, हो सकता है पॉसिबल है, कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में उसकी शेडो बन रही है, इसका तो एक ही मतलब हो सकता है, क्या मतलब हो सकता है, ये डायरेक्शन जो है ये ईस्ट है,
और ये जो डायरेक्शन है ये वेस्ट है, तो शेडो वेस्ट में बन रही है क्योंकि ईस्ट में सन उगता है और वेस्ट में उसकी शेडो बनती है सुबह सुबह, तो वेस्ट में शेडो बन रही है। चलो बढ़िया, अब ईस्ट और वेस्ट में अगर शेडो बन रही है, इसका फेस किस डायरेक्शन में कोई बताएगा क्या? इसका फेस ऊपर वाले डायरेक्शन में, इसका फेस कौन से डायरेक्शन में? इसका पोल फेस है नॉर्थ डायरेक्शन में, और ये किधर होगा? साउथ होगा। अब एक बात बताओ, विच डायरेक्शन शेलेस इज फेसिंग? शेलेस का फेस कौन सी डायरेक्शन में बताना है? तो बेटा नॉर्थ में, अगर नॉर्थ में इसका फेस है किसका? विक्रम का। अगर विक्रम का फेस नॉर्थ में है तो शैलेश का फेस इसके अपोजिट में होगा। अपोजिट मतलब क्या? साउथ। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, साउथ। अगर विक्रम का फेस नॉर्थ में है तो शैलेश का फेस जो है ना वो इसके बैक अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ बैक करके खड़े हैं। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ आएगा कि अच्छा विक्रम का फेस अगर नॉर्थ में है तो उसके अपोजिट साउथ होता है, तो साउथ में शैलेश का फेस होगा। तो फॉर दैट रीजन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, होपफुली यू अंडरस्टूड, इफ नॉट लेट मी नो। मीत बेटा अब एक बार फिर से ध्यान दो, नहीं समझ में आया तो मुझे बताओ, फिर मैं फिर से समझा दूंगा, कोई इशू नहीं। सर एक बार और, ठीक है बेटा एक बार और बता देते हैं, ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना बेटा। उसने क्या बोला कि विक्रम की, विक्रम एंड शैलेश वर स्टैंडिंग डाउन विद देयर बैक टुवर्ड्स ईच अदर। देयर बैक टुवर्ड्स ईच अदर का मतलब समझ में आता है क्या? है आप एक दूसरे की तरफ पीठ लगा के खड़े हो, है ना? अब आप खड़े हो, अब आपने, उसने क्या बोला फिर, विक्रम शेडो फेल एग्जैक्टली ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, विक्रम शेडो फेल एग्जैक्टली टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। तो विक्रम की, ये विक्रम का फोटो बना दिया, ठीक है विक्रम का फोटो बना दिया। अब विक्रम के लेफ्ट हैंड साइड में विक्रम की शेडो बन रही है, विक्रम की शेडो बना दी, विक्रम की शेडो कौन सी डायरेक्शन में बन रही है? विक्रम की शेडो बन रही है इसमें वेस्ट डायरेक्शन में, तो वो भी बना दी। अब विक्रम की शेडो वेस्ट में बना दी, अब वेस्ट में अगर विक्रम का लेफ्ट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड में मैंने पेंसिल पकड़ी, अगर ये लेफ्ट हैंड वेस्ट में है तो राइट हैंड किधर होगा? ईस्ट में होगा। अगर मेरा लेफ्ट हैंड वेस्ट में है, राइट हैंड ईस्ट में है, तो मेरा फेस नॉर्थ में ही होगा, और कहीं मेरा फेस हो भी नहीं सकता, क्योंकि मैं ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मेरा लेफ्ट हैंड या राइट हैंड और मेरा फेस ऐसे करके खड़ा हो जाऊंगा मैं, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है उसने। तो अगर लेफ्ट हैंड ईस्ट में है, सॉरी लेफ्ट हैंड वेस्ट में है, राइट हैंड ईस्ट में है, तो फेस नॉर्थ में होगा ही होगा, ठीक हो गया। थोड़ा तो सोचना पड़ेगा, जैसे ही उसका फेस नॉर्थ में हुआ, शैलेश जो है वो उल्टा फेस करके खड़ा है, तो अगर इसका फेस नॉर्थ में है तो उसका फेस साउथ में होगा, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ये थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर आपकी चेक करनी पड़ेगी, आपको सोचना पड़ेगा बेटा जी। ठीक बेटा जी, सोचो इसके बारे में और आगे बढ़ते हैं अपन। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हियर वी गो, क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑन माय स्क्रीन, लेट मी सॉल्व इट एंड एल्स यू सॉल्व इट एंड लेट मी नो द आंसर। चलो अब बताओ आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का। 2021 जुलाई में क्वेश्चन आया हुआ है, पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देयर आर फोर टर्म्स पी क्यू आर एंड टी क्यू। अच्छा चार टर्म है क्या ऐसा? ईस्ट वेस्ट टी नॉर्थ साउथ, क्या बोला उसने? उसने बोला देर आर फोर टाउन्स पी क्यू आर टी क्यू इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ पी। बेटा वो प्रिंटिंग मिस्टेक वाला क्वेश्चन था ना, ये वही क्वेश्चन है, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक करेक्ट करी हुई। देखो ये जो प्रिंटिंग मिस्टेक वाला क्वेश्चन आया था ना थोड़ी देर पहले, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था, उसमें लिखा हुआ था प्रिंटिंग मिस्टेक, ये 14 क्वेश्चन जो है वो वही प्रिंटिंग मिस्टेक वाला ही क्वेश्चन है, बट इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक करेक्ट कर दी। उसमें खाली इतनी प्रिंटिंग मिस्टेक थी कि उसमें ये टी इज लोकेटेड ये लाइन नहीं लिखी, इतना सा हिस्सा लिखा हुआ नहीं था, है ना, इन विच डायरेक्शन पी इज लोकेटेड ऐसा लिखा हुआ था, तो उसमें थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक थी, वो मैंने करेक्ट कर दी और ये वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक अब ध्यान से देखो, देर आर फोर टाउन्स पी क्यू आर एस टी एंड पी क्यू आर टी क्यू इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ पी, मतलब पी को यहां बना लेते हैं, काम करो, सबने क्या पी के हिसाब से बताया, तो पी यहां बना दिया अपने, पी बिल्कुल सेंटर पर बना दिया। अब क्या बोला है, क्यू इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ पी, तो क्यू बनाना है वो साउथ वेस्ट में बनेगा पी के, तो यहां बनेगा Q साउथ वेस्ट में P के, ठीक है Q इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ P, R इज टू द ईस्ट ऑफ Q, R इज टू द ईस्ट ऑफ Q, ठीक है R जो है वो ईस्ट में है Q के ईस्ट में है, अच्छा Q के ईस्ट में है एंड साउथ ईस्ट ऑफ P। अच्छा एक और लाइन, ये पूरी लाइन पढ़नी पड़ेगी बेटा, R is to the east of Q, जो R है वो Q के east में है and south east of P, P के south east में है, मतलब R जो है वो यहां आएगा,
क्यों? क्योंकि ये क्यू के ईस्ट में हो जाएगा और पी के साउथ ईस्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा यहां पे, आ आएगा यहां पे, इसको ऐसे बता देते हैं, आर की पोजीशन क्यू के ईस्ट में, क्यू के ईस्ट में और पी के साउथ ईस्ट में। तो पी के साउथ ईस्ट में और क्यू के ईस्ट में मैंने आर को बना दिया, है ना। क्यू के ईस्ट में मतलब ईस्ट तो इधर ही होता है ना, समझ में आई क्या होगा आपको। अब क्या आगे पढ़ो, क्यू साउथ ईस्ट ऑफ पी, आर इज टू द ईस्ट ऑफ क्यू, आर इज टू द ईस्ट ऑफ क्यू एंड साउथ ईस्ट ऑफ पी, साउथ ईस्ट ऑफ पी एंड टी इज टू द नॉर्थ ऑफ आर, टी इज टू द नॉर्थ ऑफ आर इन लाइन विथ क्यू पी, टी इज टू द नॉर्थ ऑफ आर एंड इन लाइन विथ क्यू पी। तो क्यू पी की लाइन में ही आएगा, क्यू पी की लाइन में ही आएगा और नॉर्थ में आएगा, है ना। टी इज टू द नॉर्थ ऑफ आर, आर के ऊपर, नॉर्थ मतलब ऊपर, आर के ऊपर, आर के जस्ट ऊपर और इन लाइन विथ क्यू पी, क्यू पी की लाइन में ही आएगा, कौन आएगा, टी। तो ये टी आ जाएगा, खत्म, बस हो गया डायग्राम। इन विच डायरेक्शन ऑफ पी इज टी लोकेटेड, इन विच डायरेक्शन ऑफ पी इज टी लोकेटेड, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि पी की किस डायरेक्शन में टी लोकेटेड है। तो पी की नॉर्थ ईस्ट में टी लोकेटेड है, सामने दिख रहा है, पी के नॉर्थ ईस्ट में, मतलब पी के किस डायरेक्शन में टी लोकेटेड है। तो पी के नॉर्थ ईस्ट में टी लोकेटेड है, सामने दिख रहा है। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे नॉर्थ ईस्ट इज द करेक्ट आंसर। होपफुली अंडरस्टूड, मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी रिप्लाइड बी, द फर्स्ट पर्सन टू रिप्लाई इज प्रेरणा, देन चित्रांश एंड देन मीथ, सो दैट्स रियली गुड। तो तीन बच्चों का आंसर ऑलरेडी आ चुके हैं एंड सम ऑफ यू स्टिल सॉल्विंग आई गेस, आई मीन सम ऑफ यू स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट द आंसर इट सीम्स। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन 15th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ध्यान से करें, कैसे करें बेटा, ध्यान से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या लिखा हुआ है। मिस्टर एन वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम, मिस्टर एन वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो मान लो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, उन्होंने 10 किलोमीटर नॉर्थ की डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट को ए नाम दे देते हैं, फिर 10 किलोमीटर नॉर्थ गए, यहाँ पहुँच गए ऊपर। मिस्टर एन वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, फ्रॉम देयर शी वॉक्स 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, फिर यहाँ से 6 किलोमीटर साउथ गई, 6 किलोमीटर साउथ मतलब 10 किलोमीटर ऊपर, तो इसको मैं 10 किलोमीटर लिख देता हूँ टोटल। अब इसी इसी रोड पे शी वॉक्स 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, अब उसने 6 किलोमीटर साउथ चलना शुरू कर दिया, साउथ का मतलब नीचे, 6 किलोमीटर साउथ गई, तो मतलब वो यहाँ आ जाएगी कहीं 6 किलोमीटर साउथ, ये थोड़ा और नीचे बनाना चाहिए, 6 किलोमीटर साउथ, साउथ मतलब नीचे, नीचे की तरफ 6 किलोमीटर बना दिया, 6 किलोमीटर साउथ, साउथ मतलब नीचे की तरफ कितना, 6 किलोमीटर, ठीक है। तो ये बचा कितना है, 4 किलोमीटर बचा, ठीक है। देन शी वॉक 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ 3 किलोमीटर गई, वो 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, तो 3 किलोमीटर तो छोटा ही होता है, इतना बड़ा तो नहीं बना सकते अपन, ये 3 किलोमीटर। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज शी विद रेफरेंस टू द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये बी है, स्टार्टिंग पॉइंट ए है, आपको ए और बी के बीच की दूरी बताना है, और दूरी को अब मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ, आपको ये ग्रीन कलर वाले डिस्टेंस बताना है। सबसे पहले तो काम करो, आप इस पॉइंट को सी नाम दे दो, और ये ऊपर वाला 6 है तो नीचे वाला 4 होगा, तो एक साइड जो है वो 4 है, अरे ये क्या हो गया, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये 4 है, नहीं ये 3 है, अभी 3 किलोमीटर गई थी ना टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये 3 है ये 4 है, सब पाइथागोरस थ्योरम लगा दो ना आप, तो आपको ए भी पता करना है, ए भी पता करने के लिए क्या करोगे, पाइथागोरस लगाओगे, ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर, ए बी मतलब सबसे लॉन्गेस्ट साइड, सबसे लॉन्गेस्ट साइड एक तरफ आती है, बाकी दो साइड अदर साइड आती है, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, तो ए बी हो जाएगा रूट 25, ए बी की वैल्यू आ जाएगी 5, 5 कौन सा ऑप्शन आएगा, 5 आएगा ऑप्शन डी, डी फॉर डॉग। अब वो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट वो पता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 5 एक ही ऑप्शन में, जिस ऑप्शन में 5 है वो ऑटोमेटिकली करेक्ट होगा, अब नॉर्थ ईस्ट है कि ईस्ट है कि वेस्ट है आपको पता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकली 5 आंसर आ रहा है, और 5 कहाँ है, डी ऑप्शन में, और तो कोई ऑप्शन में है नहीं 5, तो अभी इसी बात है कि ऑप्शन 5 आई एम ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो फॉर यू अंडरस्टूड दिस, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ देयर इज एनी डाउट व्हाटसोएवर डू आस्क मी राइट नाउ।
वेरी गुड, मोस्ट ऑफ यू गॉट द आंसर इज ऑप्शन डी एंड दैट्स रियली गुड. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर वी गो. ये वाला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो. वन डे राम लेफ्ट होम एंड बाइसाइकिल 10 किलोमीटर साउथवर्ड्स. तो 10 किलोमीटर राम भैया ने साउथ में गए, 10 किलोमीटर साउथ मतलब नीचे, नीचे की तरफ 10 किलोमीटर गए. ठीक. टर्न राइट, राइट लिया, टर्न राइट एंड ट्रेवल 5 किलोमीटर गए यहाँ तक. टर्न राइट एंड वेंट 10 किलोमीटर, फिर से राइट लिया और 10 किलोमीटर गए. ही टर्न लेफ्ट एंड वेंट 10 किलोमीटर, फिर लेफ्ट लिया एंड 10 किलोमीटर गए. ही टर्न लेफ्ट एंड वेंट 10 किलोमीटर. हाउ मेनी किलोमीटर ही हैज टू साइकिल टू रीच हिज होम स्ट्रेट. अरे ये बी पोजीशन उसकी फाइनल है, उसको वापस ए पे जाना है. अगर वापस ए पे जाना है तो ऐसे जाएगा ना सीधा, अब वापस थोड़ी इतना घूम फिर के जाएगा, सीधा जाएगा. अब सीधा जाएगा तो 10 तो उसको यहाँ चलना पड़ेगा इतना, और 5 यहाँ पे चलना पड़ेगा क्योंकि ये 5 है. 10 + 5 = 15 चलना पड़ेगा. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं थोड़ी देर पहले, उसी में का क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया. ये फाइनल एग्जाम में रिपीट हुआ, मैंने रिपीट नहीं किया है ना, फाइनल एग्जाम में रिपीट हुआ. या हो सकता है थोड़ा बहुत माइन्यूट चेंजेस हो. सो दिस इज द क्वेश्चन एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. होपफुली अंडरस्टूड दिस. वेरी गुड, दोज हू आर गेटिंग ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑब्वियसली. अब कोई कोई बच्चे क्या करेंगे ना, कोई कोई बच्चे ऐसे आंसर निकालेंगे. कोई बच्चा सोचेगा कि उसको वापस घर जाना है, तो वापस घर जाना है तो जितना उसको पहले चलना पड़ा उतना ही चलना पड़ेगा. कुछ बच्चा, कोई बच्चा ऐसे सोचेगा तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा 10 चला था, फिर 10 + 10 = 20 चलना पड़ेगा, फिर 15 = 25 चलना पड़ेगा, फिर 35 चलना पड़ेगा. तो टोटल उसको घर जाने के लिए 35 चलना पड़ेगा. 35 ऑप्शन में ही नहीं है क्योंकि वो गलत है, ऑब्वियस सी बात है ना. ऐसा गलती ना करें, ऐसी गलती ना करें. लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 17 व्हिच इज अ रियली लेंथी क्वेश्चन, बट रीड इट आउट, रीड इट. इस क्वेश्चन को रीड करो फिर मैं समझाऊंगा कैसे करना है. इसमें यूनिटरी मेथड भी लगानी पड़ेगी और थोड़ा सोचना भी पड़ेगा, डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा. सोचो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, सोचो सोचो सोचो. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. अ मैन कैन वॉक बाय हैविंग लॉन्ग मीडियम एंड शॉर्ट स्टेप्स. ही कैन कवर 60 मीटर्स बाय 100 लॉन्ग स्टेप्स. ठीक है, 60 मीटर 100 लॉन्ग स्टेप्स, 100 मीटर बाय 200 मीडियम स्टेप, 100 मीटर बाय 200 मीडियम स्टेप्स. डेटा लिखते जाओ साथ साथ, काम आएगा. 80 मीटर्स इन 200 शॉर्ट स्टेप्स. ही वॉक्स टेकिंग 5000 लॉन्ग स्टेप्स. वो ना 5000 लॉन्ग स्टेप्स लेता है. देन ही टर्न लेफ्ट. तो 5000 लॉन्ग स्टेप लेके किधर जा रहा है नहीं पता आपने को. ए से स्टार्टिंग पॉइंट कर दो और किसी भी डायरेक्शन में इसको 5 किलोमीटर दौड़ा दो, सॉरी 5000 मीटर्स नहीं आएगा, 5000 लॉन्ग स्टेप्स आएगा. तो 5000 लॉन्ग स्टेप्स उसको लेना है, किसी भी डायरेक्शन में ले लेगा वो. मैंने इस डायरेक्शन में उसको 5000 लॉन्ग स्टेप्स उसने ले ली. ही वॉक्स टेकिंग 5000 लॉन्ग स्टेप्स. ये बड़ा वियर्ड है नहीं, लॉन्ग स्टेप्स ये क्या है, लॉन्ग स्टेप मीडियम स्टेप्स, मीटर में आंसर होना चाहिए था ना. एनीवे, सिक्स, ही वॉक्स टेकिंग 5000 लॉन्ग स्टेप्स. देन ही टर्न्स लेफ्ट. फिर उसने क्या किया, लेफ्ट ले लिया. ठीक है, लिया लेफ्ट. तो यहाँ लिख देता ना 5000 लॉन्ग स्टेप्स. फिर क्या किया, 5000 लॉन्ग स्टेप्स. देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक टेकिंग 6000 मीडियम स्टेप. फिर उसने 6000 मीडियम स्टेप्स ले ली. मीडियम 6000 क्या लिया बेटा उसने, मीडियम स्टेप्स. फिर क्या किया उसने, देन ही टर्न्स राइट, ये ले लिया राइट. एंड बाय 2500 शॉर्ट स्टेप्स, तो 2500 शॉर्ट स्टेप्स उसने ले ली. मीडियम थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं और नीचे लिख देते हैं. मीडियम, तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा. ये उसकी इनिशियल पोजीशन को अपन ए से बना रहे हैं, तो फाइनल पोजीशन को बी से बनाएंगे, ऑब्वियस सी बात है. तो उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन अपने बना दी ए और बी. ठीक, आई होप कि यहां तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया. अब आपसे पूछा क्या गया है, अब आपसे पूछा है कि हाउ फार इज ही अवे फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट. मतलब वही वाली बात है कि इसकी स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बतानी है. मतलब आपको ये डिस्टेंस बतानी है, आपको ये डिस्टेंस बतानी है जो मैंने व्हाइट कलर से शो करी है कि इसके स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट में कितना डिस्टेंस है. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया जी उसने चला कितना है टोटल वो, है ना.
अब इसके लिए आपको फिर से वही ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ट्रायंगल कैसे बनाओगे मैं अभी बता देता हूँ बेटा जी। ट्रायंगल बनाने के लिए कुछ मत करो, एक लाइन ऐसे खींच दो और ये डिस्टेंसेस पता कर लो। आप जैसे ये डिस्टेंसेस पता करोगे ये ट्रायंगल बन गया, ये 90 डिग्री वाला ट्रायंगल बनेगा। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम लगा के अपन ये व्हाइट कलर की लाइन की लेंथ निकाल लेंगे। उसके पहले अपने को क्या चाहिए, सबसे पहले अपने को चाहिए देखो तो ट्रायंगल को नाम दे देते हैं एबीसी। अब इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं लेट अस से एम और इस पॉइंट को नाम दे देता हूं एन, एमएन। तो एक बात ध्यान रखना कि एमएन की जितनी लेंथ है उतनी बीसी की है, जितनी लेंथ एमएन की है उतनी लेंथ बीसी की है। अब आप बोलोगे कि सर एमएन की कितनी लेंथ है, तो बेटा एमएन की लेंथ है 6000 मीडियम स्टेप्स। अब 6000 मीडियम स्टेप्स में कितना चलेगा अभी पता कर लेते हैं। तो एमएन की लेंथ है बीसी के बराबर, बीसी की लेंथ कितनी है 6000 मीडियम स्टेप्स। अब एक बात बताओ आप, वो 100 मीटर चलता है या ऐसा लिख देता हूं मैं कि 200 मीडियम स्टेप्स अगर वो लेता है, 200 मीडियम स्टेप्स अगर लेता है तो 100 मीटर चलता है। ठीक, अगर मैं दोनों साइड को 100 से डिवाइड कर दूं, ये काम करता हूं, नहीं यार मैंने दोनों मीडियम को भी एम से लिख दिया, ऐसे मजा नहीं आएगा, मुझे मीडियम पूरा लिखना पड़ेगा। वो 200 मीडियम स्टेप्स लेता है ना तो वो 100 मीटर चलता है। तो मैं काम करता हूं दोनों साइड को 200 से डिवाइड कर देता हूँ, इसको भी 200 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी 200 से डिवाइड कर देंगे। क्या मतलब हुआ, 200-200 डिवाइड कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा एक मीडियम स्टेप। तो अगर वो एक मीडियम स्टेप लेगा तो कितना चलेगा, तो 1/2 मीटर चलेगा। कितना चलेगा, 1/2 मीटर, क्योंकि 0000 कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आएगा 1/2। तो वो एक मीडियम स्टेप्स में 1/2 मीटर चलेगा। तो अगर वो एक मीडियम स्टेप में 1/2 मीटर चलेगा तो बीसी में उसने 6000 मीडियम स्टेप चलनी पड़ेगी। तो 6000 में 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक मीडियम स्टेप्स में आधा मीटर, तो 6000 मीडियम स्टेप्स में कितना, 3000 मीटर, 6000/2 इज 3000 मीटर। तो ये बीसी कितना आएगा, 3000 मीटर आएगा। लिख दूं क्या, लिख ही देता हूं 3000 मीटर, या इसको 3 किलोमीटर भी तो लिख सकते हैं, क्यों ना हम 3 किलोमीटर लिख दें, ज्यादा अच्छा लगेगा। 3000 मीटर मतलब 3 किलोमीटर, तो लिख दिया 3 किलोमीटर। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, तो बेटा ये नीचे वाली लेंथ पता करना है ना, तो नीचे वाली लेंथ पता करने के लिए 5000 लॉन्ग स्टेप्स ली उसने, प्लस यहाँ पे कितनी 2500 शॉर्ट स्टेप ली। एक बात ध्यान रखना, ये जो बी एन है, बी एन जो है वो एम सी के बराबर है, बी एन जो है वो एम सी के बराबर है। तो जितना ऊपर उसने 2500 स्टेप चली शॉर्ट स्टेप, उतना ही नीचे चलना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पे अपन उसको 2500 शॉर्ट स्टेप चला देंगे, शॉर्ट स्टेप्स एंड 5000 लॉन्ग स्टेप्स। तो पहले लॉन्ग स्टेप्स का फंडा क्लियर कर लेते हैं, पहले एम निकाल लेते हैं। एम कैसे निकालेंगे, तो 5000 लॉन्ग स्टेप ली उसने, एक लॉन्ग स्टेप में कितना चलता है, तो ध्यान रखना बेटा 60 मीटर चलता है 100 लॉन्ग स्टेप्स में, 100 लॉन्ग स्टेप्स में 60 मीटर चलता है, ठीक है ना। ऐसा लिया हुआ है क्वेश्चन में कि 60 मीटर चलता है 100 लॉन्ग स्टेप्स में। मैं दोनों साइड को 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो इधर आ जाएगा एक लॉन्ग स्टेप्स, कितना आ जाएगा एक लॉन्ग, इधर कितना आ जाएगा, दोनों साइड को 100 से डिवाइड करूंगा, 6500 00 कैंसिल, 6/10 मीटर। मतलब वो एक लॉन्ग स्टेप में 6/10 मीटर चलता है। तो वो 5000 लॉन्ग स्टेप में कितना चलेगा, तो 5000 × 6/10 00 कैंसिल, ये आ जाएगा 3000 मीटर। 3000 का मीटर मतलब वही 3 किलोमीटर, समझ रहे हो, 3 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस भी कितनी हो गई, मैं व्हाइट कलर से लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हो गई 3 किलोमीटर, कितनी यहाँ से यहाँ तक। अभी तो अपने को ये वाली डिस्टेंस और पता करनी पड़ेगी, तभी तो जाके फिर अपन वो पाइथागोरस से हम लगा पाएंगे ट्रायंगल में, ट्रायंगल सॉल्व कर पाएंगे। देखते हैं इस बीच के किसी बच्चे का आंसर आ गया क्या है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है लेकिन। Okay, I got it. The class will go a little longer. I mean, till we finish the questions. Yeah. Right now we are in the question number 17. I think we have total 25 questions to finish. So, few more questions left. Not many. Anyway, focus over here. 225 अब उसने 2500 शॉर्ट स्टेप्स ली, तो शॉर्ट स्टेप्स में कितनी डिस्टेंस कवर करी, तो ये सोचना पड़ेगा 80 मीटर वो 200 शॉर्ट स्टेप्स में चलता है। शॉर्ट स्टेप्स इधर लिखता हूँ, 200 शॉर्ट स्टेप्स लेगा ना, एस एस का मतलब शॉर्ट स्टेप्स, तो 80 मीटर चलेगा। तो मैं दोनों साइड को 200 से डिवाइड कर देता हूँ,
तो वो एक शॉर्ट स्टेप्स में कितना चलेगा, एक शॉर्ट स्टेप में वो चलेगा 00 कैंसिल 8/20 मीटर, तो वो 2500 शॉर्ट स्टेप में कितना चलेगा, तो 2500 शॉर्ट स्टेप में चलेगा वो 2500 × 8/20 कितना चलेगा, तो 2500 × 8/20 विल गेट यू 1000 मीटर, मतलब भाई 1 किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस आ गई 1 किलोमीटर। कुल मिला के अब ये जो ट्रायंगल है इसमें अपन पाइथागोरस लगा सकते हैं, इसकी एक साइड 3 किलोमीटर की है, इसकी दूसरी साइड 4 किलोमीटर की है। कौन सी साइड 4 किलोमीटर की है, तो बेटा ध्यान से देखना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ए सी जो है, मैं एक बॉक्स बना के उसमें पाइथागोरस लगा रहा हूँ। इस बॉक्स में ए सी कितना है, सामने दिख रहा है 4 किलोमीटर है, बी सी कितना है 3 किलोमीटर है, पता क्या करना है, पता ए बी करना है। कौन सा थ्योरम लगेगी, पाइथागोरस, क्या बोलती है पाइथागोरस, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी कितना है नहीं पता, पता करना है ए सी कितना है, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 16 3 स्क्वायर 9, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 5 5 5 5, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 5000 मीटर। ये एक्चुअल में अपना आंसर ना 5 किलोमीटर में आया, अब 5 किलोमीटर में 5000 मीटर होते हैं, इसलिए ऑप्शन में उन्होंने मीटर में ऑप्शन दिए हुए, घबराना नहीं, ऑप्शन मीटर में दिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन मीटर में दिए हुए हैं, तो अपन अपना आंसर आ रहा है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर मतलब 5000 मीटर, तो बात वही है, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, होपफुली अंडरस्टूड दिस थिंग। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या है ना, यू कन्वर्जन करना पड़ेगा कि अगर एक शॉर्ट स्टेप में इतना चलता है तो वो सब थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन है। एनीवे लेट्स मूव फॉरवर्ड, ये भी पास्ट ईयर में आया हुआ है, तो आप ऐसा मत पूछना मुझे कि सर क्या ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं क्या, नहीं बेटा ये आया हुआ है ना, ऐसा नहीं है कि फाउंडेशन के एग्जाम में सारे क्वेश्चन बड़े इजी आते हैं, एक आध क्वेश्चन वो ऐसा जरूर डालेंगे जो आपको थोड़ा उलझा दे। अब फॉर एग्जाम्पल यही वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कोई बुराई नहीं है, ऐसा नहीं कि आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, आप इसको बड़ा इजीली सॉल्व कर लोगे, बस यही है कि इसमें टाइम लग जाएगा, और वो चाहते हैं कि आपका टाइम लग जाए, आपका टाइम एक ही क्वेश्चन में लग जाए और बाकी के क्वेश्चन छूट जाए, है ना, इसलिए ऐसा ना करें, इमोशनल ना हो जाए, आप क्वेश्चन को देख लें समझ लें, आपको लग रहा है कि यार इस क्वेश्चन में सर टाइम लगेगा, उस क्वेश्चन को उस टाइम पे ना करें, उस क्वेश्चन को बाद में करें, क्योंकि फाउंडेशन के एग्जाम में एक क्वेश्चन को करने के लिए मात्र 72 सेकंड्स का समय आपको मिलेगा, तो ये ध्यान रखें कि जिस क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि यार सर इस क्वेश्चन में मुझे टाइम लग सकता है, 72 सेकंड से ज्यादा लग सकते हैं या 2 मिनट से भी ज्यादा लग सकते हैं, तो फिर उस क्वेश्चन को लास्ट में कर लें, लास्ट में क्यों, टाइम बच जाएगा ना, तो लास्ट में आप कर सकते हो आसानी से। चलो फिर से क्वेश्चन करते हैं, इफ यू आर फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, चलो मतलब कुल मिला के डायरेक्शन तो बनानी पड़ेगी, इसमें कोई अपने पास ऑप्शन नहीं है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इफ यू आर फेसिंग नॉर्थ ईस्ट एंड मूव 10 मीटर फॉरवर्ड, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में फेस कर रहे हो, नॉर्थ ईस्ट में आपका फेस है, मतलब आपका फेस नॉर्थ ईस्ट में, समझ गया ना, नॉर्थ ईस्ट में फेस है, एंड मूव 10 मीटर फॉरवर्ड, अगर आपने नॉर्थ ईस्ट में फेस है, नॉर्थ ईस्ट में, ना नॉर्थ में है ना ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ ईस्ट मतलब बीच में, और आपने 10 मीटर फॉरवर्ड मूव फॉरवर्ड कर लिया, मतलब आप यहाँ आ गए, यहाँ आ गया 10 मीटर आपने मूव फॉरवर्ड कर लिया, मेन लेफ्ट एंड मूव 7.5, देन लेफ्ट एंड मूव 7.5 मीटर, मतलब आपने फिर लेफ्ट ले लिया, यहाँ जाने के बाद आपने लेफ्ट ले लिया और 7.5 मीटर आप चले गए। अगर आप लेफ्ट लोगे, लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा और 7.5 मीटर जाना पड़ेगा, तो ये आपने लेफ्ट ले लिया, ये 90 डिग्री का एंगल बना लिया, लेफ्ट लेना मतलब 90 डिग्री से घूम जाना, मतलब आप सीधे जा रहे हो, और आपने किसी ने बोला भैया लेफ्ट ले लो, लेफ्ट ले लो मतलब क्या करोगे आप, 90 डिग्री घूम जाओगे, ऐसे जा रहे थे, लेफ्ट लिया मतलब 90 डिग्री घूम गए, इसलिए मैंने इसका 90 डिग्री का एंगल बनाया है, ये सीधा जा रहा था, फिर लेफ्ट ले लिया और 7.5 मीटर चले गया, तो ये ऊपर की तरफ मतलब इस डायरेक्शन में जाएगा 7.5 मीटर, ठीक है। अब क्या बोला है, देन यू आर नॉर्थ ऑफ योर इनिशियल पोजीशन, बेटा इनिशियल पोजीशन क्या है बच्चा जी, इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन बी है, अब फाइनल पोजीशन बी किधर है, नॉर्थ में है, सामने दिख रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, नॉर्थ ऑफ योर इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन इज नॉर्थ ऑफ इनिशियल पोजीशन, ऊपर है ना, ऊपर की तरफ, बी जो है वो ए के ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ क्या होता है नॉर्थ, तो नॉर्थ आंसर आ जाएगा, खत्म, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, होपफुली अंडरस्टूड, इफ देयर इज एनी डाउट व्हाटसोएवर डू लेट मी नो। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, छोटा था, अगला क्वेश्चन, a man is facing west and he turns 45 degree in the clockwise direction and then another 180 degree in the same direction, a man is facing west, acha fir se east west bana do, east west north south,
अ मेन इज फेसिंग वेस्ट एंड ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो सबसे पहले काम करते हैं, डायरेक्शन लेफ्ट को यहाँ भी फिर से बनानी पड़ेगी यार, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब उसको क्या करते हैं, अ मेन इज फेसिंग वेस्ट एंड वेस्ट में उसका फेस है एंड ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर वेस्ट में फेस है मतलब उसका फेस यहाँ कहीं है ना, ये उसकी इनिशियल पोजीशन ए हो गई, ये फाइनल पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन हो जाएगी बी, 45 डिग्री घूम गया ना, तो ये 45 डिग्री का एंगल बना लिया मैंने, ठीक है, 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। फिर से 180 डिग्री का सेम डायरेक्शन में, तो अगर वो फिर से 180 डिग्री जाएगा सेम डायरेक्शन में, तो बेटा वो कितना घूम गया था पहले 45, तो 45 और घूमेगा, तो ये 45 है ना, फिर 90 और घूमेगा, ये 90 है और फिर 45 और घूमेगा, मतलब वो यहाँ आ जाएगा, उसकी तीसरी पोजीशन हो जाएगी सी। क्यों? क्योंकि उसको पहले 45 डिग्री घूमना था, फिर 180 डिग्री और घूमना था, तो ये 180 डिग्री और घूम गया, देखो ये 180 डिग्री हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? पहले वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पहले वो वेस्ट में था, मतलब उसका फेस वेस्ट में था, ऐसे था, फिर वो 45 डिग्री घुमा, मतलब 45 डिग्री घूम गया, मैं आपको यहां दिखाता हूं, ठीक है, पहले वो उसका फेस ऐसे था वेस्ट में, फिर उसने 45 डिग्री घुमा, फिर बोला कि 180 डिग्री घुमाओ, 180 डिग्री घुमाओ मतलब ऐसे पूरा 180 डिग्री घूम जाएगा ऐसे, तो उसका फेस अब उधर हो गया सी की तरफ, है ना, नीचे की तरफ सी। अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन एंड देन 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा, अब इतना घूमने के बाद वो 270 डिग्री घूम गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है ये वाली डायरेक्शन, देखो क्लॉक किस डायरेक्शन में घूमती है, क्लॉक इस डायरेक्शन में घूमती है, तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसी उल्टी डायरेक्शन, तो ये उल्टी डायरेक्शन में कितना घूमेगा, 270 डिग्री। तो 270 डिग्री घुमाना है इसको उल्टी डायरेक्शन में, तो सबसे पहले तो आप ये सोचो कि अगर 270 डिग्री वापस जाएगा तो ये 180 तो यही वापस चला जाएगा, 180 के बाद 45 चले जाएगा, 45 और 180 कितना होता है, 45 और 180 हो जाएगा 225, उसको जाना कितना है 270, तो 225 गया, 70 जाना था मतलब अभी अभी और जाना है उसको, 45 डिग्री और जाना है, तो 45 डिग्री वो और जाएगा तो वो यहाँ आ जाएगा, 45 डिग्री और चले जाएगा यहाँ आ जाएगा, ये जो ए बी सी डी, डी जो है उसकी फाइनल पोजीशन है, बस अब नहीं घूमेगा। विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, अभी उसकी पोजीशन फाइनल पोजीशन हो गई डी, डी फॉर डॉग। अब डी फॉर डॉग कौन सी डायरेक्शन में, डी फॉर डॉग मुझे दिख रहा है कि साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, साउथ वेस्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, साउथ वेस्ट। होपफुली यू अंडरस्टूड दिस, इफ देयर इज एनी डाउट व्हाटसोएवर डू आस्क मी लाइक इमीडिएटली। दैट्स गुड आइडिया मीत, यू कैन गिव, डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। चलो अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, है ना, वी डोंट हैव मेनी क्वेश्चंस टू डू, सो लेट्स फिनिश इट वन डे। ये अगला वाला क्वेश्चन पढ़ो, ये तो फिर ऐसा लग रहा है कि कर लिया अपन ने पहले, राम वाला है थोड़ा सा। वन डे राम लेफ्ट होम, सबसे पहले डायरेक्शन तो बनाई लो, हर क्वेश्चन में जरूरत लगती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। वन डे राम लेफ्ट होम एंड साइकिल 10 किलोमीटर साउथवर्ड्स, राम भैया ने घर छोड़ दिया, 10 किलोमीटर साउथ में गए, ए स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, राम भैया ने घर छोड़ दिया, 10 किलोमीटर साउथ में गए, टर्न राइट, राइट ले लिया एंड साइकिल 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चले गए एंड टर्न राइट एंड साइकिल 10 किलोमीटर, फिर से राइट ले लिया और 10 किलोमीटर चले गए एंड टर्न लेफ्ट, फिर से लेफ्ट ले लिया एंड साइकिल 10 किलोमीटर, लेफ्ट एरिया एंड 10 साइकिल 10 किलोमीटर, हाउ मेनी किलोमीटर्स विल हैव टू साइकिल टू रीच हिज होम स्ट्रेट। अच्छा, फिर वही क्वेश्चन, उनको वापस घर जाना है राम भैया को, कैसे जाएंगे राम भैया को, अगर वापस घर जाना है तो उनको इतनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, ऐसे करके चले जाएंगे ना घर, वापस इतना घूम के थोड़ी जाएंगे, सीधा घर चले जाएंगे, बी से ए, बी टू ए, बी टू ए, तो ये डिस्टेंस कितनी है 10, ये इतनी है 10 और ये कितनी है, ये है 5, तो टोटल कितना हो जाएगा 15, ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 15, सो ऑप्शन बी 15 इज द करेक्ट आंसर, इट्स प्रीटी इजी क्वेश्चन, इट सीम्स दैट द क्वेश्चन हैज रिपीटेड। चलो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, पढ़ो उसको सॉल्व करो, उससे पहले ईस्ट वेस्ट बना लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सन राइजेज बिहाइंड, बेटा सन यहां से राइज कर है ना ईस्ट से, सन राइजेस बिहाइंड द टावर, मतलब टावर यहां होगा तभी तो टावर के पीछे सनराइज कर रहा है, टावर यहां होगा एंड सेट्स बिहाइंड द रेलवे स्टेशन, मतलब रेलवे स्टेशन यहां होगा क्योंकि सन जो है वो वेस्ट में जाके
सनसेट हो जाता है, सनसेट वेस्ट में होता है और रेलवे स्टेशन भी वेस्ट में, ऐसा इन्होंने लिखा हुआ है कि सनसेट्स बिहाइंड द रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन के पीछे सनसेट हो जाता है, मतलब वेस्ट में रेलवे स्टेशन होगा। इन विच हिज डायरेक्शन इज द टावर फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन से टावर कौन सी डायरेक्शन में, तो रेलवे स्टेशन के ईस्ट में टावर है, रेलवे स्टेशन के ईस्ट में, ईस्ट में, ईस्ट मतलब ऑप्शन सी, ईस्ट में जो है वो टावर है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ईस्ट। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये, आई होप कि आपको समझ में आया। एनी डाउट, यहां तक समझ में आया क्या? ऑप्शन सी ईस्ट इज द करेक्ट आंसर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर वी गो, क्वेश्चन नंबर 22। रोहन इज ड्राइविंग साइकिल फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड नॉर्थ, रोहन इज ड्राइविंग, उससे पहले क्या बनाएंगे, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बटरफ्लाई। चलो, रोहन इज ड्राइविंग साइकिल फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड नॉर्थ, रोहन ने नॉर्थ की तरफ साइकिल चलाई, ठीक है, ऑप्शन पॉइंट ए से उसने शुरुआत करी। रोहन इज ड्राइविंग साइकिल फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड नॉर्थ, देन ही टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट ले लिया उसने, एंड देन लेफ्ट अगेन, फिर से लेफ्ट ले लिया, ठीक है। विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ, कौन से डायरेक्शन में उसका फेस है अभी, कुछ डायरेक्शन में जा रहा है, वो नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे क्या होता है, साउथ, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, साउथ। He is facing south because he is going south, downwards. Option B. Option D. Starting point A था, last point उसका B है, B बस नीचे की तरफ जा रहा है, इतना नहीं दिया है कि कितने किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर करी, उससे अपने को कोई लेना देना भी नहीं है, अपने को बस इतना बताना था कि वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ही इज गोइंग इन साउथ डायरेक्शन। होपफुली अंडरस्टूड, ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान था। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, अ मैन स्टार्टेड पॉइंट फ्रॉम अ पॉइंट फेसिंग नॉर्थ, अच्छा तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अ मैन स्टार्टेड फ्रॉम ए पॉइंट फेसिंग नॉर्थ देन टर्न लेफ्ट, तो जो एक आदमी है उसने नॉर्थ में फेस कर रखा था अपना फेस, इसे उसका नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ फेस है, बट उसने नॉर्थ में डिस्टेंस कुछ कवर नहीं करी, बस नॉर्थ में फेस था। अ मैन स्टार्टेड फ्रॉम ए पॉइंट फेसिंग नॉर्थ टर्न लेफ्ट, अगर उसका फेस नॉर्थ में था मतलब ऊपर की तरफ फेस था उसका नॉर्थ में, उसने लेफ्ट ले लिया, लेफ्ट ले लिया मतलब इधर जाएगा वो। ए मैन वॉज फेसिंग लेफ्ट, सॉरी फेसिंग नॉर्थ एंड देन ही टर्न लेफ्ट, लेफ्ट ले लिया, देन टर्न अगेन लेफ्ट, फिर से लेफ्ट ले लिया, एंड देन राइट, फिर से राइट ले लिया। इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, कौन सी डायरेक्शन में उसका फेस है, बड़ा बताओ किस डायरेक्शन में उसका फेस है बेटा। ये इनिशियल पॉइंट ए है, ये फाइनल पॉइंट बी है, बी फाइनल पॉइंट है, कौन से डायरेक्शन में उसका फेस है आपको दिख रहा है क्या? उसका फेस वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर, वेस्ट। उसका फेस जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में, एज यू कैन क्लियरली सी, बड़ा सिंपल क्वेश्चन, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता, ये भी पास्ट ईयर में आया हुआ है, अब इससे इजी क्वेश्चन क्या ही आएगा। ओके, ओके, सो होपफुली एवरीथिंग यू अंडरस्टूड सो फार एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। It seems Payal has also joined us now. Let's go to the next question. Oh, it seems this is the last question. Achha, ye last tha kya? Okay, this is the last question by the way. And today's session is getting over here itself. This is the last question of this particular chapter. So if you have done this 23 questions, which I have discussed today, agar aapne 23 question kar liye, वैसे 25 थे, but do question mein wo printing mistake nikal gayi thi, iski wajah se unko hatana pada. So anyway, if you have done this 23 questions, it will be more than sufficient for you to go and write the exam for this particular chapter. अगर इस chapter के लिए आपको preparation करनी है, ये 23 question आप कर लो, आपको एक बहुत अच्छा idea मिल जाएगा कि final exam में इस type के किस type के question आते हैं, तो exactly इसी type के question आते हैं, क्योंकि यही question मैंने आपको करवाए हैं जो past year में आए, ठीक, इन 23 question को कर लो, that will be more than sufficient. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टूडे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन टुमारो। कल हम क्या करेंगे, कल हम किसी नए टॉपिक का रिवीजन करेंगे, किसी नए चैप्टर का रिवीजन करेंगे। सो सी यू टुमारो,